इंगती कतर सोंगबिजीत एक खतरनाक आतंकवादी है। वह कई नरसंहारों में शामिल था। वह आसाम के बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारता था। उसके साथ 1040 अन्य आतंकवादी जो अलग अलग समूह जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार जैसे 58A श्रृंखला की राइफलें, 338 हथियार, 11 M16 बंदूकें और 4 लाइट मशीन गने जमा कर दी। यह सभी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल के सामने जमा किया गया। आतंकवादियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा की जिंदगी में लौटने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे असम सरकार के नियमों का पालन करेंगे और हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने आतंकवादियों का स्वागत किया और उनके आत्मसमर्पण की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि असम सरकार असम को आतंक मुक्त राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सोनोवाल ने कहा, समाज में वापस आने वाले युवाओं को उनकी सभी जरूरतों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार और आतंकवादियों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि असम में शांति बनी रहे और आतंकवादी अपने गलत कामों की ओर फिर से न चले जाएं।